सभी का आपके अपने चैनल क्रिएट वेल्थ विद अभी के साथ। तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स हैं और उससे पहले हम इंडेक्स के बारे में देखेंगे कि अभी क्या सिचुएशन बन रहा है और इसमें एक शॉर्ट टर्म के लिए क्या पोजीशन बना सकते हैं, एनएफटी में बाई करके चल सकते हैं या सेल करके चल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे विथ प्रूफ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए एक बार एनएफटी के चार्ट पे चलते हैं। तो ये हमने एनएफटी 50 का वन डे का चार्ट ओपन किया है। इसमें आप देखोगे तो एनएफटी बहुत ही बुरे, ये जो वॉलेट लाइन आपको दिख रही है ये 200 ईएमए का सपोर्ट है। इस 200 ईएमए को टच करके और वहाँ से नीचे की तरफ इसने और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ नीचे की तरफ और ये क्या है कि आप देखोगे ये 20 ईएमए है, इसने 20 ईएमए के नीचे ही क्लोजिंग भी हुई है। तो यहाँ से इंडिकेशन जो है इसका कुछ अच्छा यहाँ से दिख नहीं रहा है। और अगर ये शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट की बात करें तो ये 16,200 के पास में एक बार अगर इसको होल्ड करना होगा तो यहाँ पे होल्ड करेगा। बाकी ओपन इंटरेस्ट भी मैं कल एक बार टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा कि कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे एक होल्ड करने का चांस यहाँ पे इसका दिख रहा है। अदरवाइज जो ये पैटर्न बन रहा है तो और आप देखोगे तो इस लेवल को कई बार ये होल्ड किया है और ऐसा कोई ये नई बात नहीं है कि 200 ईएमए को, बट अगर 200 ईएमए पे अगर थोड़ा सा सपोर्ट ले लिया होता तो ये बहुत ही अच्छा था, यहाँ से ऊपर निकलने के चांस काफ़ी थे। बट ये ऐसा हुआ नहीं और वहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर बन गया। तो अभी आप देखोगे तो RSI डाइवर्जन भी हो गया है, तो RSI भी नीचे की तरफ ही मूव कर रही है। और ये आप देखोगे जो ये पैटर्न बना था इसी को ये फॉलो कर रहा है और यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो एक बार हो सकता है फिर यहाँ पे ये एक बार एनएफटी जो है 15,900 तक के लेवल एक बार दिखा सकती है। तो इसलिए अभी इन्वेस्टमेंट करना तो जल्दीबाजी होगा, बट कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें जो बहुत ही मजबूती के साथ उसी लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं और इतनी गिरावट होने के बाद भी एक्चुअली उनमें भी करेक्शन हुआ है, नो डाउट। आपको ही पता है कि 40 से 50%, मेरा भी पोर्टफोलियो 30% डाउन है। तो अभी कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें हम जिनको फ्रेश बाइंग करनी है वो, हाँ, जिनका जो 2 से 3 साल का टाइम दे सकते हैं वो आराम से बहुत ही अच्छे रेट पे शेयर मिल रहे हैं। तो आइए उन शेयरों के एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहले जो हमारा स्टॉक है ब्लू डार्ट है, तो कंपनी फंडामेंटली और डिविडेंड दोनों ही इसका बहुत ही अच्छा है। कंपनी में एक चीज़ देखने को मिल रहा है चार्ट पैटर्न में जो निकल के आ रहा है, कंपनी कम से कम 2015 के बाद इतना बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के और ऊपर की तरफ निकलने के लिए पूरी तरह से रेडी थी। बट हम ऑल्सो वेट, कि जैसे ही एक बार 76 से 7700 के लेवल को जैसे ही ये पार करता, 7700 के लेवल को मैं इसमें खुद एंट्री लेता। इसमें आप एक बार देखोगे तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ये देखिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, बढ़िया एकदम कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा था और यहाँ से आप देखोगे तो ये टारगेट निकल के, बट क्या हुआ कि मार्केट वीक होने की वजह से ये वहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया और सीधा सीधा 13,000 का 13,000 का टारगेट निकल के आ रहा 74। और ये मुझे लगता है ये जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा
78 के लेवल को आपको लेके चलना है, 77 से 7800 के लेवल को। ये यहाँ से 74% का रिटर्न देने का, और ये विद इन मुझे लगता है कि 3 to 6 month में ये लेवल आता हुआ मुझे दिख रहा है। और इसके लिए मैं आपको सेम पैटर्न का एक एग्जांपल के लिए आपको सेम पैटर्न मैं दिखाता हूँ उसमें, अडानी पावर में। ये मैंने अडानी पावर का चार्ट ओपन किया है वीकली, आप देखोगे ये देखिए ठीक सेम वही राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना यहाँ पे। यहाँ पे ये छोटा सा हैंडल बना, ये इतना बड़ा कप और ये हैंडल। आप ये टारगेट देखोगे एग्जैक्टली वही टारगेट यहाँ पे निकल के आया है। ये देखो आप दिख रहा है ना एग्जैक्टली वही टारगेट 98%। तो देखिए टेक्निकल मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी, और ठीक ऐसे ही अभी हमारा ब्लू डॉट इसी पैटर्न पे काम कर रहा है। अगर मार्केट में और गिरावट नहीं आती है, अगर वो होल्ड करता है या उस जैसे उस लेवल को निकलता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली बाइंग बनती है, और वहाँ से हमें एक बहुत ही अच्छा जंप उसमें देखने को मिल सकता है। एक स्टॉक और है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने ये ग्रुप में अपडेट किया था टेलीग्राम पे, NFT मेटल, जो मेटल का इंडेक्स है उसके बारे में मैंने टेलीग्राम अपने चैनल पे अपडेट किया था कि इसमें थोड़ा सा हम पोजीशन बनाने की अभी सोच सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो MACD क्रॉसओवर भी है, ठीक है, RSI भी आप समझ लो 22 से ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट किया है। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट एंड वॉच करेंगे, और यहाँ पे अगर होल्ड होता है और ये 20 EMA को एक बार निकलता है, तो इजीली 200 EMA को क्रॉस करेगा, और वहाँ से 150 पॉइंट का। ओके अभी एक हर्डल यहाँ पे है 200 EMA का। तो वैसे यहाँ पे जो ये मल्टीपल टाइम्स आप देखोगे, मल्टीपल टाइम्स का जो यहाँ पे सपोर्ट है, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट होके जो निकला था, यहाँ पे आप देखो ले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ भी इसने रुका नहीं, ये सडनली बाउंस बैक मारा और 8 टाइम्स। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से, क्योंकि आप अगर देखोगे यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये बहुत नीचे यहाँ पे आने के चांस है, और इतना आ नहीं सकता क्योंकि मेटल की डिमांड बनी हुई है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अभी इसको वेट एंड वॉच में रख सकते हैं जो भी मेटल स्टॉक है, और वहाँ से एक अच्छा, इसके लिए इसको कंफर्म करने के लिए एक हम मेटल स्टॉक भी ले लेते हैं। ये मैंने टाटा स्टील लिया हुआ है, और यहाँ पे आप देखोगे तो टाटा स्टील भी इसी लाइन को होल्ड कर रहा है सेम पैटर्न में देखोगे तो, क्योंकि ये इंडेक्स के शेयर है, तो ये भी सेम यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स है और इंडेक्स के बारे में हमने देखा, और कल तो नहीं फ्रेंड, डेफिनेटली मैं 9th को IT सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हैं जो ब्लू चिप स्टॉक हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अभी मैं भी थोड़ा बहुत फिर से ऐड करना स्टार्ट किया हूँ, तो वीडियो मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। जुड़े रहिए चैनल से, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।